तो हेलो जी, हेलो, स्वागत है गाइस आप सभी का एक और शानदार आलीशान और मज़ेदार ब्लॉग में। और आज का ये जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। खूबी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी जो हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ अपना दिल्ली में टर्मिनल 3 पे, और अपने बोर्डिंग पास के लिए जस्ट वेट कर रहा हूँ। और ये कुछ अपना सामान है सारा साथ में जाने वाला है, इसे मेरा लैपटॉप वगैरह है, और ये कुछ अपना कपड़े लत्ते बाकी चीज़ें। ये है तुम्हारा भाई, निकल चुका है इंटरनेशनल ट्रिप पर। देखते हैं जो भी होता है, मेरा जैसा भी एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट टाइम है बाय द वे फ्लाइट के अंदर, मैं आज तक भी फ्लाइट में नहीं बैठा। नहीं मानता। तो जैसा भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। दमाम बोर्डिंग पास ले लेते हैं फटाफट, फिर देखते हैं जल्दी से जल्दी क्या सीन रहता है। सॉरी, आई हैव अ विंडो सीट ऑन इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट, या इट्स अ रिक्लाइनेबल वन विद एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस, ओके। एनी बैग फॉर चेक इन सर? या यस। नो 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 पावर बैंक, नो बैटरी। गेट नंबर 755। गेट नंबर 6 बोर्डिंग स्टार्ट 755। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस बोर्डिंग पास आ चुका है अपने पास फाइनली, और अब निकलेगा तुम्हारा भाई शेयर करने के लिए। तो क्या नाचो भाई? और अब तो बल्ले ही बल्ले है, बस अब सामान जा चुका हमारा अंदर, अब निकल लें सीधा सिक्योरिटी चेक के लिए। ठीक है, मिलते हैं वापस सिक्योरिटी चेक पे। One hour later। तो हाँ जी पब्लिक, क्या हाल चाल? फाइनली तुम्हारे भाई का हो गया सिक्योरिटी चेक, और वो चेक करो पीछे सामने वहाँ पे, वो सब सिक्योरिटी का एरिया है वहाँ पे। ये रहा अपना दिल्ली का ड्यूटी फ्री, और अभी तुम्हारा भाई आ चुका है सिक्योरिटी चेक करके, सब कुछ कंप्लीट अपने सारे प्रोसेस निपटा कर। और मेरे चेले चपाटे जितने भी हैं चार, वो बेचारे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे जाफराबाद के अंदर। अब आज अफसोस है, मेरे को भी यार याद आएगी उनकी ऐसी बात नहीं, बट मिलेंगे उनसे भी जल्दी ही। यहाँ तो मैं तो फर्स्ट टाइम आऊँगा आज एयरपोर्ट के अंदर। ये चेक करो आप लोग भाई एयरपोर्ट का नज़ारा, क्या खूबसूरत चीज़ बना रखी है भाई। अब तुम्हारा भाई वेट कर रहा है सीधा फ्लाइट के लिए, और ये चेक करो तुम्हारे भाई के सामने इस टाइम क्या नज़ारा है। पता नहीं तुम लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं है, लेकिन इस टाइम मेरी आंखों के सामने कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फ्लाइटें खड़ी हुई हैं इस टाइम। तो मैं भी जाता हूँ उधर ही अपने गेट नंबर 6 पे, मेरी बोर्डिंग गेट नंबर 6 से होगी। और बाय द वे गुड न्यूज़ दे दूँगा, एक गुड न्यूज़ ये है विंडो सीट मिल रही है, और दिक्कत नहीं होगी, पूरा व्यू लेता हुआ जाएगा तुम्हारा भाई बैठ के फ्लाइट के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 7:30, और आधे घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फ्लाइट में बैठूंगा, देन फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। और हाँ, ये इंटरनेशनल ब्लॉग है, पैसा मोटा खर्चा हुआ भाई, तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना जरा चैनल को, ठीक है? तो लाइक कर दो, वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड में मैं मिलाऊँगा अपने बड़े भाई से, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो सऊदी में, आज तक उनको किसी ने नहीं देखा मेरे ब्लॉग चैनल पर, तो मैं उनको भी दिखाऊँगा। सो अभी मैं बढ़ रहा हूँ अपने गेट नंबर 6 की तरफ। मैं इधर से क्यों जा रहा हूँ, मैं इधर से जाऊँगा। तुम्हारा भाई जाएगा एस्केलेटर पर चढ़ के, ये केड़ी वाली। और ये आ गया तुम्हारा भाई एस्केलेटर पे, खड़े खड़े चलेगा तुम्हारा भाई। ये कोक ले लिए तुम्हारे भाई ने पीने के लिए, प्यास लग रही थी क्योंकि बहुत अच्छी खासी तगड़ी वाली। लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? तो भाई अपन आ चुके हैं फाइनली अपने गेट नंबर 6 पे, बैठ के बस इंतज़ार हो रहा है। अभी टाइम हो गया 7:55, अभी यहाँ बैठ के बस इंतज़ार हो रहा है बोर्डिंग के लिए। 10-15 मिनट में आई थिंक बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है अपनी। सो फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है अपनी। बोर्डिंग आप चलिए। थैंक यू। तो फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है भाई की, और अब चले सीधा फ्लाइट की ओर। अब जाएंगे कैसे बस ये देखना है, मेरी दुआ यही है कि बस से लेके जाएं ताकि एक बार रनवे पे खड़े होने की फील जो है वो भी ले सकूं प्रॉपर। पर जो जो सपने देने एक करके धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। बाकी भाई ये चेक करो, ये कुछ गली है जो हमें सीधा हमारे जहाज़ तक लेके जाएगी, और इस गली में चल रहा तुम्हारा भाई अपना कुछ गली कह लो, कैसे कह लो, क्या कह लो, क्या है
यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं सीधा अपनी फ्लाइट में, और बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दोनों चीज़ हमारे हाथ में है। घुस रहे हैं अपनी फ्लाइट में, ध्यान से देखो बाहर दिखाई दे रही है खड़ी हुई फ्लाइट, हो रहा गेट। मैं सोच रहा था रनवे को उतरने का मौका मिलेगा, लेकिन हमारे साथ ही क्या हो गया, हो गया क्या करना। ओह माय गॉड, एक बार दिला दे। फ्लाइट के अंदर एंट्री हो रही है, शोर हो रहा बहुत यहाँ पे, काफ़ी शोर है यहाँ पे। आ चुके हैं फाइनली फ्लाइट के अंदर, और ये है कुछ फ्लाइट का नज़ारा। 13A, वेरी 13A, आई थिंक 13A। ओ भाई इमरजेंसी गेट, अरे वाह भाई, इसकी भैंस क्या, ये तो बड़ा गलत जगह बैठ गया आके मैं, ये तो पूरा विंग के ठीक ऊपर ही बैठा हूँ मैं तो, मैं ये कहाँ बैठ गया मैं आकर। ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। ये चेक करो गाइस बाहर क्या है तुम्हारे भाई के पास, पंगड़ी के बिल्कुल ठीक ऊपर बैठा हुआ इंजन के, वो रहा इंजन टरबाइन जहाज का, और ये रहा इसका विंग। ओ भाई यहाँ तो पूरा व्यू मिलने वाला तगड़ा वाला। मिलते हैं गाइस, मतलब सेटल हो जाऊंगा यहाँ पे सीट पे अपनी, फिर मिलता हूँ वहाँ से थोड़ी देर में। तो मैं अब आप लोगों को चेक कराता हूँ, ये कुछ अपनी सीट है अभी नीचे, और तुम्हारा भाई खुल के बैठ गया एकदम एक्स्ट्रा लेग रूम के साथ, निकल गया आराम से मस्त। ये टेबल भी है यहाँ पर खाना वाना खाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए, मैं तो लैपटॉप पे लेकर आया हूँ अपने साथ में। तो ये चेक करो बाहर का नज़ारा, हम बैठे हुए इस टाइम बिल्कुल जहाज़ के शीशे के, उसके क्या है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। विंग के बिल्कुल ठीक ऊपर है मेरी सीट। जब तक मैं ज़रा घर वालों को थोड़ा तसल्ली कर दूँ, अभी टाइम हो रहा है 8:45, और सीन को जैसा है मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी 8:55 पे, तो अभी 10 मिनट बाकी रह गए हैं फ्लाइट टेक ऑफ करने में। तो मैं गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन फ्रॉम द फ्लाइट डेक, ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर क्रू फ्लाइट 6E083 वी आर वेलकम ऑन बोर्ड, फुली रेडी फॉर आवर डिपार्चर। फ्लाइट टाइम आफ्टर टेक ऑफ विल बी अराउंड 4 hours and 20 minutes। आई होप यू विल हैव सेटल डाउन एंड रेडी विद अस फॉर द फ्लाइट, थैंक यू फॉर चूजिंग इंडिगो। गाइस फाइनली अपनी फ्लाइट अब टेक ऑफ होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और फ्लाइट अपनी चल रही है एक्चुअली। आसमान की ऊंचाइयों में पेट में गुदगुदी हो रही है भाई, भयंकर वाली। पता नहीं मेरी आवाज भी कितनी रिकॉर्ड हो रही है कितनी नहीं हो रही, इसके अंदर शोर आ रहा है भाई लिटरली, बहुत कान में शोर मच रहा, बहुत अपनी आवाज ही नहीं आ रही कानों में, बहुत शोर हो रहा भाई, बहुत शोर हो रहा है लिटरली, बहुत शोर हो रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओ भाई मेरे तो कान बंद हो गए थे बिल्कुल, अभी मैंने हल्का सा ऐसे करा ना ऐसे करके, तब कान खुले, मेरे तो कान बंद हो गया। क्या व्यू है भाई साहब, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, ख्वाहिशों के मुसाफिर तू जरा रुक जा, मुड़ के देख दोबारा मुझे, मैं हूं गैर कहां जो तू सागर न दरिया तेरा, यही तो तेरा मेरा है
2000 years later. और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि फ्लाइट अपनी लैंड कर रही है बहुत तेजी के साथ, बहुत 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 तेजी है, जब वो चल गई लाइट निकलता हूँ थोड़ा जैसे भी। दोस्तों पहुँच चुके हैं फाइनली हम लोग सऊदी और दमाम के अंदर लैंड कर चुके हैं। एयरपोर्ट पे वीडियो इसलिए नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। जब मैं मिलाता हूँ आप लोगों को अपने बड़े भैया से, ये रहे मेरे बड़े भाई, इनको आप लोग आज फर्स्ट टाइम देखा होगा, अभी तक आदिल भाई को देखा होगा, जितनी बार देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में। ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं, पूरी फैमिली में सबसे बड़े हैं और ये कई सालों से यहाँ सऊदी के अंदर ही हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं बाहर एयरपोर्ट से, ये अपना सामान चल रहा है, भाई चला रहे हैं, तो भाई ने खाना भी ले लिया यहाँ से अलबेग एयरपोर्ट पे, ये वो है अलबेग नाम से रेस्टोरेंट है, वहीं से खाना ले लिया। ये चेक करो भाई, सबसे पहले तो ये ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, बैठो तुम उधर, वो स्टेरिंग कहाँ गया, इधर ही बैठ रहे हैं। चलो भाई पहले दाना पानी कर लेते हैं, फिर फ्लैट पे पहुंच के आराम से फिर करते हैं वार्तालाप और भाई से भी मिलवाते हैं आपको, भाई भी अभी गाड़ी चलाएंगे, जरा ड्राइव करेंगे, थके आ रहे हैं थोड़ा सा, ड्राइव करते हैं, मिलते हैं सीधा फ्लैट पे।